Here it is. अभी मैं बताऊँ भाई सोचो। Our first answer vector quantity. सेकंड आंसर बताओ। सेकंड वेलोसिटी इज नेवर बी स्केलर क्वांटिटी। ओके चलो कोई बात नहीं, ये भी आंसर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेलोसिटी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, हो सकती है, और ये भी सही है कि कभी स्केलर नहीं हो सकती, वो भी सही है। चलो कोई बात नहीं। स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ओके फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इन इन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। ओके टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ इज जीरो, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इन सेमी सर्कुलर पाथ, अच्छा ये नया है, सेमी सर्कुलर पाथ मतलब ऐसे एक पाथ होगा सर, तो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? जो शॉर्टकट रास्ता होता है, या तो ऐसे आप घूम के जाओ, अगर आपको ए से सी जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ए से बी, बी से सी जाओ, या फिर सीधा ए से सी जाओ। ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो अब मुझे बताओ ए के सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वन होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस? इसलिए ए टू सी का डिस्टेंस पता नहीं है तो कैसे पता? ये मान लो चलो ये सेंटर है, तो ये कितना होगा रेडियस? हाँ। और ये कितना होगा, ये भी रेडियस? तो रेडियस प्लस रेडियस,
डायमीटर डायमीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे डायमीटर ओके रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम डी बाई टी डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वेलोसिटी बिल्कुल सही वेलोसिटी गुड वेलोसिटी मे बी बट नेट बट डैश नेवर बी जीरो maybe zero but speed never be सही है हाँ सर ओके स्पीड जीरो होती कभी नहीं होगी स्पीड जीरो कभी नहीं होगी क्योंकि जब गाड़ी बंद होगी ना तभी स्पीड जीरो होगी वो रेस्ट में आ जाएगी रेस्ट में आ जाएगी रेस्ट वाला केस पूरा लगे हाँ अब मुझे जल्दी से एक बार वो बता दो क्लासिफिकेशन किसमें क्या क्लासिफिकेशन था क्या सर सुनाने क्लासिफिकेशन मुझे बताना है स्पीड और उसमें जो हमने पांच क्वांटिटी डिस्कस की थी पहले क्या था आपके पास डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर आया था स्पीड फिर वेलोसिटी और फिर टाइम राइट क्या क्या हो जाएगी इसकी यूनिट डिस्टेंस को किसे मेजर करते हैं मीटर में मीटर डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में आ जाएगा स्पीड किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर वो भी हो सकती है बट ये इसका क्या है एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड ठीक है इसका मैंने मीटर और इसका सेकंड ले लिया सेम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड टाइम एमएस हो गया इसका कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं एमएस माइनस वन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपोनेंट में वन बाय एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको अगर ऐसा होता वन बाय एम स्क्वायर तो हम कैसे लिखते एम माइनस टू एम माइनस ठीक है यहाँ पे क्या दिया हुआ है एम बाय एस दिया हुआ है तो ये m तो आ गया एज इट इज और ये s नीचे है तो ऊपर आएगा तो कैसे लिखेंगे माइनस वन माइनस ठीक है टाइम को किसमें मेजर करते हैं सेकंड में वैसे सेकंड भी है मिनट भी है और आवर भी है ठीक है तो आपको मतलब कुछ नहीं बोला है तो आप सीधे क्या करो आवर से मिनट में आओ मिनट से सेकंड में जाओ ठीक है और मीटर डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में लाओ फिर ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जिस तरीके से बोला हुआ है उस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे
सिंपल सा सवाल लिया है फाइंड द स्पीड ऑफ कार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 240 / 2 बिल्कुल सही पहले तो हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे स्पीड गिवन गिवन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर इसको मीटर मीटर में लेके आओ 2400 क्योंकि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और टाइम की बात करें टाइम दिया हुआ है आपको 2 आवर सेकंड 2 आवर इनटू क्या करना पड़ेगा क्यों क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 चलिए ये कितना हो जाएगा 7200 कोई बात नहीं ओके अब क्या फाइंड करना है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस हुआ आपका 240000 और टाइम हो गया 7200 00 कट 00 कट 12 2 इसको हम करेंगे 12 6 हां और 12 2 0.6 और कुछ कट होगा हां 200 / 2 3 और आगे कुछ सवाल होगा meters सही है नहीं गलत डिवीजन करके देखो एक बार क्या ऐसा लिखना सही होगा चेक करते हैं पॉइंट लगाया एक और जीरो आया हां सर सही होगा हां सर सही होगा ठीक है तो ये आपका क्या आ गया स्पीड सेम अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट बोला होता तो भी हम ऐसे ही फाइंड करते और यहां पे कभी-कभी कैसा होता है कि बुक में लिखा रहता है कि फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर तो हम क्या करते डायरेक्ट ही कर लेते हां 240 / 2 कर लेते 12 जा हो गया स्पीड कितनी आ गई 220 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में गाड़ी 120 किलोमीटर चलेगी 120 किलोमीटर इन 1 आवर हां कभी ऐसे भी पूछा हुआ होता है बुक में कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट किलोमीटर पर मिनट मिनट तो हम क्या करते हैं किलोमीटर तो एज इट इज रहेंगे और यहां पे आवर हां तो क्या हो जाएगा 120 कर लेते क्योंकि 1 आवर में कितना दिया होता है मिनट 60 तो 2 आवर में कितनी मिनट हो जाती 120 इसको कट कर दे और 2 क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर मिनट 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही है जिस तरीके से कंडीशन बन रही है आपकी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वांटिटी को चेंज करना है किलोमीटर मीटर सेकंड में उस तरीके से आया समझ में हां सर ओके अब यही क्वेश्चन इसके और क्या आ सकता है इसके बेस पे सर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला नहीं आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा Thank you.
find the time taken by car if it is moving with 300 km with 2 km. Time is equal to distance upon speed. बिल्कुल सही. पहले हम given given लिखेंगे. हाँ. क्या है speed? Speed is equal to 2 km/h. मतलब 1 hour में कितनी जा रही है? 2 km. 2 km. और distance दिया हुआ है. Time find करना है. ठीक है. चलिए पहले जो हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है स्पीड का वो लगा लेते हैं. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. बट इस पर हमें स्पीड नहीं ढूंढना है, टाइम ढूंढना है. तो टाइम को यहाँ पे लेके जाएंगे और स्पीड यहाँ पे आ जाएगी. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड अभी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो स्पीड है वो किलोमीटर में ही दिया हुआ है. आप देख सकते हो स्पीड है वो किसमें है? किलोमीटर. किलोमीटर में है और हमारा डिस्टेंस भी किसमें है? किलोमीटर में. तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. वन फिफ्टी क्या लिखूं मैं यहाँ पे? क्या है आर. ठीक है, आपको 150 आवर्स लगेंगे. या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 hour में 2 km, तो 300 किलोमीटर कितने आवर में जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से भी वही का वही आंसर आया. अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कर लेनी है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है कि आपको रियल लाइफ में भी इसको यूज़ में लगती है आपका. आप कहीं पे जा रहे हो बाइक पे या एक्टिवा पे, कहीं पे भी गाड़ी में जा रहे हो, तो अगर आपको डिस्टेंस पता है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से बेंगलोर जाना है, या यहाँ से मुझे कोई अहमदाबाद गांधीनगर जाना है, तो अगर आपको आपकी लोकेशन से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस मालूम है और आपको ये पता करना है कि मुझे वहाँ पे 2 घंटे में या 2 hour में या 1 hour में मुझे पहुंचना है, तो मुझे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी गाड़ी की, उससे क्या आपको मतलब एक अंदाज़ा लग जाता है कि अगर मैं इतनी स्पीड से कार को या किसी भी व्हीकल को ड्राइव करूंगा तो मैं इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लूंगा. ये एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल क्वांटिटी है. इसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि रियल लाइफ में इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा है. चलिए एक और एग्जांपल लिया जाए, इसका अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत जरूरी है. कैसे करें इसमें? फाइंड द टाइम टेकन बाय कार 300 मीटर किलोमीटर. सर ये 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो मीटर में दिया हुआ है. हमारी स्पीड मीटर में है और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो किसी एक को या तो किलोमीटर में लेके आओ या तो मीटर में लेके आओ. तो किलोमीटर को छोटी क्वांटिटीज को बड़ा करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हम बड़े को छोटी कर लेते हैं. गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3000 मीटर. और स्पीड 300 मीटर पर मिनट, राइट? हमारा जो टाइम आएगा वो भी मिनट में आएगा. ओके,
अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितना है और टाइम आपका नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, स्वाइपिंग कर देंगे, स्पीड नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू टाइम 3000 और स्पीड कितनी है 300 इज इक्वल टू टाइम. 3 को 30 से कट कराएंगे तो 10 मिनट. आपको 3 किलोमीटर पाथ कवर करने के लिए 10 मिनट लगने वाली है. आ गया समझ में? दिख भी जाए. यस सर. यस सर. समझ में आया सर? इसमें ओके फॉलो प्रेजेंटर पॉइंट हो गया था क्या? कब प्रेजेंटर पॉइंट हो गया था क्या? कब? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ सर? इसमें व्यू ऑप्शन में बाजू में सर जितने ज्वाइन हुए ना वो बता रहा है, तो वो कैसे नहीं करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो सर? जैसे कि मैं प्रिंस और आप तीन जन कनेक्ट हुए वो साइड में बता रहे, तो वो कहाँ से निकल? फुल स्क्रीन नहीं हो रही है. आप फुल स्क्रीन नहीं हो रही है. फुल स्क्रीन नहीं हो रही, उसको स्वाइप कर दो. स्वाइप कर दो. हाँ सर. मोबाइल से स्वाइप कर दो उसको. हाँ हो गया. हाँ हो गया. हाँ हुआ ना. एक काम करता हूँ, फिर से स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं यहाँ से. ये हो गया है. स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ. ओके ठीक है. तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की बात, अरे डिस्टेंस की बात. अभी हम थोड़े डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बेस पे. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. Displacement and distance in circular path having radius is 7 km. Also find velocity and speed, circular speed. If it is taking 7 kilometer बोला है ना, 44 minutes to cover one circle to one round. क्वेश्चन समझाओ दिग्विजय. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस इज 7 किलोमीटर. आल्सो फाइंड वेलोसिटी एंड सर्कुलर स्पीड इफ इट इज टेकिंग 44 मिनट्स टू कवर वन राउंड. सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होने वाला है, बिल्कुल सही. फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी भी जीरो. यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, और इसकी वजह से वेलोसिटी कैसी हो गई? जीरो हो गई. अच्छा अब बात रही डिस्टेंस की. कैसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में? टू पाई आर. टू पाई आर.
डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है रेडियस हमारे पास 7, ये रहा आपका रेडियस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7 कट, रेडियस इज 7, ओके 7 कट हो गया 44, यहाँ पे आंसर आ गया आपका 44, और ये किस में था किलोमीटर में, डिस्टेंस आ गया। अभी आपको सर्कुलर स्पीड भी फाइंड करनी है, देखो क्या बोला था, सर्कुलर स्पीड आल्सो फाइंड द सर्कुलर स्पीड, मतलब स्पीड इन सर्कुलर पाथ। सर हमें पहले 44 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिनट्स को भी सेकंड में, सेकंड में लेके जाएंगे, ठीक है। चलो सर्कुलर स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना आया 44 इंटू 1000 डिवाइड बाय टाइम कितना है 44 इंटू 60 टाइम को मिनट में, मिनट हमने है तो सेकंड में लेके जाना पड़ेगा, एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। चलिए अब 44 कट हो गया, 00 कट हुआ, 100/6 आया, और भी रिड्यूस करेंगे 50/3 आ जाएगा, क्या आएगा आंसर इसका, पॉइंट लगा दिया, जीरो आ गया, 3 6 18 16 मीटर पर सेकंड ये क्या आया, सर्कुलर स्पीड आया उसका, ठीक है, ओके। और अगर मैंने बात की होती कि सेमी सर्कुलर, चलो यही क्वेश्चन लिया होता आपने, चलो आखिरी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सारी बातें क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। फाइंड द स्पीड, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इन सेमी सर्कुलर पाथ। Find the distance of displacement in semicircular path. Or sir, uska displacement diameter means radius 14 into 14. सेमी सर्कुलर पाथ बोला है, और ये हमारा सेंटर ओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 14। सेमी सर्कुलर का डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होता है, इसलिए 14 + 14 = 28। ठीक है, चलो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस 2πr इनटू 2πr इनटू 2πr तो पूरे का है तो उसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 22/7 इनटू 14 डिवाइड बाय 2 2πr है ना, ये पूरे सर्कल का है और हमें तो किसका है, इसे पाई बाय 2 तो बाय 2 कर देंगे, 2 2 कट
सेवन टू जा 44 किलोमीटर 44 आ गया. स्पीड निकालनी है नहीं निकालने के लिए बोला. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 14 प्लस 14 28. डिस्प्लेसमेंट का सीधा क्या हो जाएगा ए टू ओ और ओ से बी मतलब 14 प्लस 14 28 किलोमीटर. देख सकते हो आप डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आधा कम आ रहा है. देखो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं शॉर्टकट कहते हैं. पहुंचना है तो आपको ए से बी पे ही जाना है. डिस्टेंस में आपको लॉन्ग रूट लग जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट में आपको शॉर्ट रूट लग जाएगा. क्लियर समझ में आ गई. चलिए अभी आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल समतल करेंगे. आज का टॉपिक रहेगा हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. पहले तो वेलोसिटी के दो टाइप्स पढ़ लेते हैं. ठीक है अब डिस्कशन करेंगे बहुत सारा. सबसे पहले वेलोसिटी दो तरह की होती है. एवरेज कौन सी एवरेज इनिशियल एंड फाइनल को भी काउंट कर लेते हैं. एवरेज मैथमेटिकली देखते हैं उसको इनिशियली एंड फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल को हम यू से दिखाते हैं और फाइनल को वी से. कैसे मान लो कोई हमारे पास कोई व्हीकल है जैसे एक गाड़ी बना रहा है. जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है गाड़ी एकदम स्टार्ट होने पे एकदम तुरंत वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेंड नहीं कर लेती. जब भी कोई कार स्टार्ट हो रही होती है या गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो वो एकदम मैक्सिमम स्पीड अचीव नहीं करती. मैक्सिमम स्पीड अचीव कब करती है जब वो कोई रास्ते पे आ जाए या कोई उसको कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है उस टाइम पर वो क्या करेगी मैक्सिमम स्पीड को अचीव करता है. राइट तो गाड़ी को जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी जिस स्पीड पे स्टार्ट हो रही है हमारी जिस वेलोसिटी पे हमारी स्टार्ट हो रही है उस वेलोसिटी को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मतलब प्रारंभ शुरुआत की. ठीक है तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो कौन सी वेलोसिटी होती है इनिशियल. कोई भी व्हीकल जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है एकदम पहले जीरो से स्टार्ट होता है. जीरो से वेलोसिटी उसकी कैसी हो जाती है स्टार्ट होती है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है. राइट जब वेलोसिटी बढ़ेगी तभी तो वो रेस्ट पोजीशन से मोशन वाले स्टेट में आएगा. राइट और अब ये गाड़ी धीरे धीरे चलना शुरू किया इसका और उसने क्या कर दिया मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लिया. अभी कहाँ फाइनल पॉइंट फाइनल वेलोसिटी मतलब उस स्पीड पे वो भी क्या करेगी चलेगी. जैसे 50 किलोमीटर मान लो 60 किलोमीटर मान लो 80 किलोमीटर मान लो उस स्पीड पे वो क्या करेगी मैं अपनी स्पीड को बनाए रखेगी और रास्ते पे चलना शुरू करेगी. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से दिखाते हैं और फाइनल को वी से दिखाते हैं. जनरली ये ऐसा रिलेशन होता है वी हमेशा ज़्यादा होता है यू से. आई बात समझ में. U आपका कैसा रहेगा कम रहेगा और V ज़्यादा रहेगा. अगर मैं U में से V माइनस करूँ तो मुझे आंसर कैसा मिलेगा U में से V U में से V नेगेटिव और V में से U तो पॉजिटिव नेगेटिव और V में से
पॉजिटिव मिलेगा। एक एग्जांपल लेके समझे, चलो मान लिया गाड़ी को स्टार्ट किया था वो तब 10 किलोमीटर पर आवर था और अभी गाड़ी हाईवे पे जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या आएगा, 10 माइनस 50 माइनस 40 आ गया, और इसमें 50 माइनस 10 करेंगे 40 आएगा, 40 आ गया, 40 आएगा। आई बात समझ में? तो कब कंडीशन नेगेटिव में कब कंडीशन पॉजिटिव में जाएगी वो समझ में आया? ओके अभी एवरेज स्पीड की बात करें, सॉरी एवरेज वेलोसिटी की बात करें। चलिए मान लेते हैं यहाँ से कोई हमारा हाईवे जा रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पहला स्टॉप इसने यहाँ पे लिया है, दूसरा स्टॉप यहाँ पे लिया है, यहाँ पे हमारी कार थी स्टैंड, स्टैंड ओके, स्टैंड से अब गाड़ी जा रही कहाँ पे, ये डेस्टिनेशन हमारा। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक तो चली है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर पे, फिर यहाँ पे स्टॉप लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे चली कितना, 30 किलोमीटर पर आवर पे, फिर यहाँ से यहाँ पे चली 40 किलोमीटर पर आवर पे, और यहाँ से यहाँ वापस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में उसको 30 मिनट लगी, यहाँ से आने में उसको 20 मिनट लगी, यहाँ से यहाँ पे 30 मिनट, और यहाँ से यहाँ आने में उसको 40 मिनट, ठीक है। ये पूरा मतलब इस तरीके से गाड़ी क्या कर रही है, बीच बीच में स्टॉप लेते लेते अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन को लेते हुए वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच रही है। हाँ सर, बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ अभी मुझे क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। सिंबल कैसा है इसका देख लेना, एवरेज वेलोसिटी वी ए, वी बड़ा और ये एक इसमें आ जाएगा, सफिक्स में आ जाएगा। क्या करेंगे हम, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर, और टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे हमें डिस्टेंस लेना था, स्पीड नहीं लेनी थी, हाँ यहाँ पे डी आएगा, डिस्प्लेसमेंट 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 और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी कितना, सॉरी नहीं नहीं इस तरीके से नहीं आएगा, हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, इस तरीके से नहीं आएगा, टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, इस तरीके से फॉर्मूला रहता है, आपको बुक में देखना पड़ेगा एक बार, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसके बारे में। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वही वाला केस ले रहे हैं, ये पोजीशन पे है और यहाँ पे उसने फर्स्ट स्टॉप लिया, यहाँ पे सेकंड स्टॉप, और यहाँ पे बी पोजीशन पे जाए, चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ उसका 30 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ उसका 40 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में उसको 2 आवर लगे, यहाँ से यहाँ जाने में उसको 1 आवर लगा है, और यहाँ से यहाँ पे उसको 5 आवर्स लगे। मुझे क्या करना है, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है, राइट तो क्या है फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड
डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितने कितने हुए हमारे पास, 40 हुआ 10 हुआ। और टाइम की बात करें तो 2 + 1 + 5 ये हो गया 80 by 10 क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो जाएगा एवरेज। उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, अब वेलोसिटी है तो वही यूनिट रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगा या फिर मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक तरीके से क्या है, वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी में कैसा है, स्पेशल केस है। आप अलग अलग क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में रीच करने के लिए आप क्या करते हो, बीच बीच में रुक कर चलते हो, तो उस टाइम पे आपकी जो स्पीड आनी चाहिए, वेलोसिटी आनी चाहिए, वो एग्जैक्ट नहीं आती। हम क्या करते हैं उसको, उसका एवरेज लेके चलते हैं कि हमने पूरे रास्ते में कितने एवरेज से चले हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है मैक्सिमम भी गए। देखो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी रही है और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी रही है, बट फिर भी हम क्या कहेंगे, चलो हमारा मतलब मिनिमम 10 पे तो हम गए गए हैं, पूरे रास्ते पे हम 10 पे ही चल के आए हैं, ऐसा बोल सकते हो प्रैक्टिकली। बट कभी कभी पिक पे हुआ है, कभी कभी एकदम बिल्कुल जीरो, बहुत ही कम वेलोसिटी पे चले हैं, कभी कभी हाई पे भी चले, बट एवरेज कितना रहा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ पे क्लियर हुई बात, ओके। फॉर्मूला मेन मैटर करता है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। और वैसे भी हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अभी एक्सेलरेशन की बात करें, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एक्सेलरेशन। ये इसका सिंबल रहेगा आपका ए, स्मॉल ए, और ये एक तरह का क्या है, रेशियो है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते तब मिलता है, वेलोसिटी बाय टाइम। डेफिनेशन कैसे बना सकते हो आप, द रेशियो ऑफ वॉइस क्लियर है दिग्विजय, दिग्विजय हाँ सर, दिग्विजय वॉइस आ रही है हाँ सर, ओके। लास्ट 5-10 मिनट्स डिस्कशन करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। तो क्या था एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, राइट राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं, हां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम गया नीचे, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर, मीटर, और टाइम को सेकंड इनटू सेकंड, मतलब क्या हुआ मीटर पर सेकंड, एमएस माइनस 2 हो जाएगा, एमएस माइनस 2 माइनस 2। जब भी ये दिख जाए तो समझ जाना कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एम एस माइनस 2 लिखा रहेगा तो समझ जाना कि एक्सेलरेशन चल रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। आपने बाइक देखी होगी, बाइक में यहाँ पे पूरा वो रहता है, ठीक है, और यहाँ पे दो हैंडल लगे रहते हैं जिसपे
ब्रेक रहेगा, क्लच रहेगा, जो कुछ भी। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इस वाले लीवर को। एक्सेलेरेटर। आपने देखा होगा राइट साइड में जो लीवर रहता है वो क्या है, एक्सेलरेशन। और आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन बढ़ाने से, इस लीवर को रोटेट करने से स्पीड में क्या होता है? अगर आप लीवर को रोटेट करते हो तो स्पीड बढ़ती है, कम होती है? स्पीड बढ़ती है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन बढ़ाने से स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है। ये वाला क्या दिखाता है आपको, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर, जिसमें आपकी रीडिंग रहती है कि आपने अभी तक बाइक को नया लेने के बाद अभी तक आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पे आपका फ्यूल रहेगा, फ्यूल गेज, कितना फ्यूल बाकी है, कितना भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड, स्पीडोमीटर, स्पीड मिलेगी, ठीक है। उस तरीके से रहता है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और यहाँ पे स्पीडोमीटर से स्पीड एक्चुअली मापी जाती है, डिस्टेंस। हाँ, स्पीडोमीटर से स्पीड अकेला, ऑडोमीटर से डिस्टेंस अकेला, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो पहले हमारी कार की स्पीड कितनी थी, कार की स्पीड, स्टार्टिंग में स्पीड की कितनी होती है हमारी, यू होती है, और बाद में कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, ठीक है। बट ये यू से वी, कार की स्पीड यू से वी क्यों हुई, डिस्प्लेसमेंट। हमने ऐसा क्या किया कि कार की स्पीड यू से वी हो गई, एक्सेलरेशन की। बिल्कुल बिल्कुल सही, हमने कार को क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, कार की स्पीड क्या हो गई, यू से वी हो गई। क्या यू से वी होने में टाइम लगेगा या डायरेक्ट ही हो जाएगा? टाइम लगेगा। आप देखना, मैं इन चारों से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखो ये सारी बातें क्यों हो रही है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बन के आता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, ठीक है। एक्सेलरेशन देने से आपकी गाड़ी यू से वी में आती है, और उस यू से वी में आने में थोड़ा कुछ टाइम भी लगता है। तो डिस्कशन करने का मतलब ये था कि हमें एक फॉर्मूला नया समझ में आए, एक्सेलरेशन। दो फॉर्मूले सीखे आपने, वेलोसिटी बाय टाइम और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टाइम। टाइम, बिल्कुल सही, दोनों फॉर्मूले सीख लिए। साथ में हमने यूनिट भी डिस्कस कर लिया, क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कभी कभी सर इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो ऐसा आ सकता है कि u is equal to v minus a into t। हाँ, कर सकते हो आप। अगर देखो यही फॉर्मूला है, a is equal to v minus u by t है। अभी आपको पूछा है कि आप इसको ही फाइंड करो, तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, और u को इधर लेके जाओ, at को इधर लेके आ जाओ। तो u माइनस में था तो प्लस में आ गया, और v प्लस क्या हो गया, at हो गया। तो इस तरीके से एक फॉर्मूले को क्या कर सकते हो आप, घुमा के इसमें से तो फाइंड कर सकते हो u माइनस at। a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t है, u माइनस at, बिल्कुल सही। क्या करेंगे, at इज इक्वल टू v माइनस u। आपको v चाहिए तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, at प्लस u इज इक्वल टू v हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी फॉर्मूले से आप घुमा घुमा के बाकी सारी क्वांटिटीज का फॉर्मूला बना सकते हो। इसको भी न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। होप सो। हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डिस्कशन खत्म हुआ, यहाँ पे मिनी
यूनिट हमने जान लिया, फॉर्मूला जान लिया, डेफिनेशन जान ली, कोई प्रॉब्लम है नहीं? अभी कल हम इसके बारे में थोड़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर्कुलर वेलोसिटी, वो सब कल बात कल डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? ओके सर, ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 में हां बताओ, तीन चार सब बाकी वो कल करा दी थी खुद ही करनी, वो हम कल कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्किप कर देना है, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 आप